मानसी राठौर, डीजर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। श्री भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। समाजजनों को केसरिया छापे लगाए। परम पूज्य महाराज साहब ने भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन श्रवण करवाया। देश के 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए दोनों राज्यों की पुलिस हुई अलर्ट। रतलाम एसपी ऑफिस में मध्य प्रदेश और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बॉर्डर मीटिंग का हुआ आयोजन। रतलाम ग्रामीण विधायक का नायक अवतार। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने कहा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। गोपालपुरा के ग्रामीण जन पहुंचे थे ग्रामीण विधायक के पास सरपंच की शिकायत करने। ग्रामीण विधायक ने कलेक्टर को जांच करने के साथ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। संभाग आयुक्त डॉक्टर मनोज गोयल को निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही। मरीज को नहीं लगाया गया था शाम का इंजेक्शन। संभाग आयुक्त ने जिम्मेदारों को लगाई मौके पर फटकार। श्री भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य महाराज साहब ने भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन श्रवण करवाया। श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ श्री संघ ट्रस्ट रतलाम के तत्वाधान में त्रिपोलिया रोड स्थित श्री फूल कुंवर बाई उपाश्रय में परम पूज्य आचार्य श्री कुलबोधि सूरीश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य श्री ज्ञान बोधि सूरीश्वर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में श्री भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मात्रा त्रिशला रानी ने भगवान के जन्म से पूर्व दर्शन किए गए 14 सपनों के चढ़ावे की बोलियां समाजजनों ने भावोल्लास पूर्वक ली। सभी समाजजनों को केसरिया छापे लगाए गए। परम पूज्य महाराज साहब ने भगवान महावीर स्वामी को जन्म वाचन श्रवण करवाया। श्री राजेंद्र सिंह कोठारी ने संगीतमय स्तवनों की प्रस्तुति दी। जन्म वाचन पश्चात सभी समाजजनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी तथा श्रीफल बधार कर चटक खिलाई। इस अवसर पर श्री संघ श्री नवरतन सिंह जिंदानी एवं पूनम चंद जी माणक लाल जी धारीवाल की ओर से प्रभावना वितरित की गई। कार्यक्रम के समापन पर श्री संघ का साधर्मिक वात्सल्य हुआ। कार्यक्रम का संचालन हेमंत बोधरा तथा आभार जितेंद्र चोपड़ा ने किया। रतलाम जिले में बढ़ते नशे के व्यापार और मादक पदार्थों की हो रही तस्करी के चलते उज्जैन संभाग आईजी ने रतलाम मंदसौर नीमच के साथ ही राज्य सीमा से लगने वाले जिले प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षकों की सामूहिक बैठक आयोजित की। आगामी कुछ माह बाद ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश एवं राजस्थान भी शामिल है। आगामी चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए दोनों राज्यों की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। गुरुवार को रतलाम एसपी ऑफिस में मध्य प्रदेश और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बॉर्डर मीटिंग हुई,
जिसमें अधिकारियों ने आपस में जानकारियां साझा करने के साथ ही बॉर्डर से लगे जिलों में समन्वय के साथ कार्य करने के लिए रणनीति भी बनाई। बॉर्डर मीटिंग में उज्जैन आईजी संतोष सिंह के साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा रेंज की आईजी सुश्री एस परिमाला भी उपस्थित रही। इसके अलावा रतलाम रेंज डीआईजी मनोज सिंह, रतलाम एसपी राहुल रोढ़ा, मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया, नीमच एसपी अमित तोलानी, बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह और प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार बॉर्डर मीटिंग में मौजूद रहे। अपराधियों के बारे में भी जानकारी एक दूसरे को दी गई, जो एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। बैठक में आपसी तालमेल के साथ इन अपराधियों को पकड़ने, राज्यों के प्रवेश मार्ग पर चेकिंग, आपसी कम्युनिकेशन और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई गई। बैठक में दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे को संबंधित जिलों के एनडीपीएस एवं अन्य बड़े अपराध के फरार आरोपियों की संपत्ति एवं अन्य जानकारी भी साझा की। बैठक में बॉर्डर के नाकों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी बातचीत हुई। मयूर खंडेलवाल, एसपी से मैं अनुरोध करूंगा, एसपी प्रतापगढ़ का स्वागत है। गोपालपुरा के 200 से अधिक ग्रामीण जन विधायक दिलीप मकवाना से मदद की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच की शिकायत की। आजादी के समय से पंचायत राज की स्थापना इस बात को लेकर की थी कि जब गांव में पंचायत राज होगा तो निश्चित गांव का समूल विकास हो सकेगा एवं गांव की छोटी मोटी समस्या के लिए गांव वासियों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन पंचायत राज में गांव की समस्या तो ठीक है, लोग अपना मतलब हल करने में इतना मशगूल हो गए हैं कि उन्होंने जनता की फिक्र तक नहीं की और सारे विकास कार्य मात्र कागजों में ही पूरे करते हुए अपने आर्थिक हित साधने में ग्राम पंचायत के प्रमुख जुट गए। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब कागजों में विकास की सड़क सहित विभिन्न कार्यों के नाम पर राशि स्वीकृत हुई। राशि को सरपंच, सचिव और पूर्व सरपंच ने निकाल कर पूरी खर्च कर दी, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। उक्त मामला जब ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के सामने आया तो वह भी हैरान हो गए। पूरा मामला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर का है। गोपालपुरा के 200 से अधिक ग्रामीण जन विधायक दिलीप मकवाना से मदद की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिकायत की। ग्रामीण जनों ने बताया कि सरपंच से जब इस बारे में सवाल किए तो उसके द्वारा घर बुलाकर मारपीट की गई। ग्रामीणों की बात सुनकर विधायक दिलीप मकवाना ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में अवगत कराया तो उनके द्वारा उचित आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों को संतुष्ट करने के बाद विधायक दिलीप मकवाना ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठ गए और सभी को चाय पिलाने के साथ स्वयं ने भी पी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के आते ही विधायक दिलीप मकवाना ने कलेक्टर को पूरा मामला समझाया। इस पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि एसडीएम, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों की टीम जांच के लिए गोपालपुरा पहुंचेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने बताया। मेरे संज्ञान में जैसे आएगा ग्राम पंचायत गोपालपुरा का जो विषय आया था, एक तो उसमें मध्य प्रदेश शासन का माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ग्राम सभा 15 अगस्त को होना चाहिए, ग्राम सभा नहीं हुई। आज ग्राम सभा का बोला गया, उसके बाद भी समय पे न तो सरपंच वहाँ पहुँचा और सचिव गए थे वो भी जल्दी निकल गए और ग्राम सभा नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है, शासन का निर्देश है ग्राम सभा 15 अगस्त 26 जनवरी को होना चाहिए। और ये ग्राम सभा इसलिए होती है कि ग्रामों की जो समस्या हो, जो बातें हो, उसमें आ जाए उस ग्राम सभा के माध्यम से सारी बातें।
तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और लगभग 200 से 300 हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ आए कि भाई जो पैसे उसमें से निकले ग्राम पंचायत के माध्यम से जो राशि निकली है उसमें वाउचर भी लगे हैं, बिल भी लगे हैं, पैसा भी निकला है, लेकिन काम धरातल पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसी जानकारी ग्राम पंचायत के कुछ पंच भी थे, कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन करा, कलेक्टर साहब तत्काल आए और सारी समस्या उनकी सुनी और उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। और कार्रवाई बिल्कुल हम कराएंगे, किसी भी स्थिति में कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता। अगर गलती है तो गलती की सजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान विकास के लिए पैसे देते हैं, गांव में काम के लिए पैसे देते हैं। अगर काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, उसके बावजूद पैसा निकल गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरपंच की सचिव की गलती है और उस गलती पे कार्रवाई निश्चित रूप से हम कराएं। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। 15 अगस्त इस वर्ष का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह अमृत काल का प्रारंभ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 100 वर्ष तक के काल को अमृत काल कहा है, और निश्चित यह देश का एक अमृत काल है। और इन 25 वर्षों में हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मैं रतलाम नगर के समस्त वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वे लोग लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ें और रतलाम नगर को जो ऊंचाइयां हम देना चाह रहे हैं अमृत काल के इस समय में, हम लोग रतलाम को भी उन नई ऊंचाइयों पर ले जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे रतलाम के जिम्मेदार प्रतिनिधि कितने जवाबदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जरा इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रतलाम में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भगवान के भरोसे ही चल रही है। कहने को तो यहाँ पर शासन की ओर से अधिकारी भी नियुक्त है, लेकिन अधिकारी सिर्फ अपने मतलब को हल करने में ही लगे रहते हैं। यही वजह है कि मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल के मरीजों की दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ पर भर्ती मरीज को शाम को लगने वाले इंजेक्शन तक नहीं लगाया गया। यह बात तब मालूम पड़ी जब संभाग आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अपने एक दिवसीय प्रवास पर रतलाम पहुंचे संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित चिकित्सालय का निरीक्षण किया। ग्राम बिलपाक के मरीज वर्दी चंद एवं बड़ोदिया के मरीज गोपाल से चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मरीज वर्दी चंद का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखा तो डॉक्टर गोयल ने पाया कि मरीज को पूर्व संध्या को इंजेक्शन नहीं लग पाया है। उन्होंने सबसे नाराजगी व्यक्त की।
मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देशित किया कि मरीज को यदि शाम को इंजेक्शन लगना है तो उसकी व्यवस्था सुबह से ही कर ली जाए। मरीज वर्दी चंद के बेड पर तकिया नहीं पाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गुप्ता को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के लिए कोई कमी नहीं रहना चाहिए। शासन द्वारा दी जा रही समस्त सुविधाएं मरीजों को मिलना चाहिए। श्री अनंत नारायण मंदिर सभागृह में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 60 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री अनंत नारायण मंदिर सभागृह में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 60 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री अनंत नारायण सेवा समिति गुजराती सेन समाज के जिला स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राधेश्याम परिहार ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती वंदना दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जगदीश डोडिया, संकुल प्राचार्य व जिला सचिव स्काउट अनिता परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष नामली अतुल गोड़, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका पिपलोदा सुरेश भाटी, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रपति पुरस्कार कैरियर मार्गदर्शक सुंदरलाल जी गोड़ पूर्व प्राचार्य रहे। अतिथियों का स्वागत समाज समिति सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्याम सुंदर भाटी व आभार चेतन जी केलवा नगर अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। नवीन परिषद के एक वर्ष के कार्यकाल में रतलाम नगर में 267 विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इसी तीव्र गति से हम रतलाम का पूरा भविष्य बदलेंगे, उक्त उद्गार विधायक रतलाम शहर चेतन काश्यप ने व्यक्त किए। नवीन परिषद के एक वर्ष के कार्यकाल में रतलाम नगर में 267 विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इसी तीव्र गति से हम रतलाम का पूरा भविष्य बदलेंगे, उक्त उद्गार विधायक रतलाम शहर चेतन काश्यप ने वार्ड क्रमांक 5 स्थित श्री राम नगर, अभय नगर, रेल नगर व महेश नगर, इंदिरा नगर अनाधिकृत कॉलोनी में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु 1.13 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के भूमि पूजन व जवाहर नगर मुक्तिधाम से विनोबा नगर पानी की टंकी तक निर्मित 4-लेन सड़क की सेंटर लाइट के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण का शंखनाद रतलाम नगर से हुआ, जो कि पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बना। इसी के चलते प्रदेश की समस्त अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण हो रहा है। जिस तेज गति से रतलाम नगर में विकास कार्य किए जा रहे हैं, उससे रतलाम का भविष्य बदलता जा रहा है। नगर में महानगर की छवि दिखाई दे रही है। आने वाले 5 सालों में मालवा निवाड़ को सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र बनाएंगे। उन गाड़ियों का 85 तक ले गए निगम की निधि से, मेरे विधायक निधि के माध्यम से गाड़ियों की संख्या बढ़ाई है और आज मेरे ख्याल से कहीं पर भी यह समस्या नहीं आती है। थोड़ा सा वर्षा काल में थोड़ा आगे पीछे होता है, परंतु अब धीरे धीरे जो गाड़ियों के लेट आने की समस्या है, ये एक भूतकाल की बात हो जाएगी। कभी आपको सपने में भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कचरा गाड़ी लेट आई है। हर दुनिया के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के खाली भाषण होते थे कि महिलाओं की ताकत कैसे बढ़ी जाए। पूरी दुनिया के अंदर हमेशा हर जगह पर जब भी अध्ययन आए हैं, महिलाओं की ताकत बढ़ाने के पीछे एक ही उसका उद्देश्य बताया गया, एक ही उसका समाधान बताया गया है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो। निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण विधायक चेतन काश्यप के
अथक प्रयासों का परिणाम है। नगर की कोई भी अवैध कॉलोनी नियमितीकरण से वंचित नहीं रहेगी। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा ने किया व आभार लोकेश जायसवाल ने माना। राज्य पेंशनरों ने रंगमहल परिसर में राष्ट्रीय तिरंगा वरिष्ठ पेंशनर सदस्य सतीश चंद दैया ने सामूहिक राष्ट्रगान के साथ फहराया। जुल्म सितम से जूझने वाले बेशुमार क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर आजादी हमारे हाथों में सौंपी, महानायकों को स्मरण नमन करते हुए राज्य पेंशनरों ने रंग महल परिसर में राष्ट्रीय तिरंगा वरिष्ठ पेंशनर सदस्य सतीश चंद दैया ने सामूहिक राष्ट्रगान के साथ फहराया। पेंशनर सदस्य जयवंत गुप्ते, आर आर चौहान, जितेंद्र सिंह भूरिया, गीता राठौर, आशा श्रीवास्तव, कृति कुमार शर्मा, कैलाश नाथ शर्मा आदि ने देशभक्ति गीतों की प्रभावी सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम संयोजन में विशेष सहयोग कार्यकारी अध्यक्ष एमएल भट्ट तथा कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार बेनावत का रहा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में डीसी सारस्वत, के एल दैया, एस एन जोशी, जी एस राठौर, दशरथ लाल शर्मा, पूनम चंद चावला, डी डी गोठवाल, मोहम्मद अनवर, भरत सिंह चौहान, उच्छव लाल सालवी, वेणी माधव द्विवेदी, के एल भाटी सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्री भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। समाजजनों को केसरिया छापे लगाए। परम पूज्य महाराज साहब ने भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन श्रवण करवाया। देश के 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए दोनों राज्यों की पुलिस हुई अलर्ट। रतलाम एसपी ऑफिस में मध्य प्रदेश और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बॉर्डर मीटिंग का हुआ आयोजन। रतलाम ग्रामीण विधायक का नायक अवतार। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने कहा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। गोपालपुरा के ग्रामीण जन पहुंचे थे ग्रामीण विधायक के पास सरपंच की शिकायत करने। ग्रामीण विधायक ने कलेक्टर को जांच करने के साथ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। संभाग आयुक्त डॉक्टर मनोज गोयल को निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही। मरीज को नहीं लगाया गया था शाम का इंजेक्शन। संभाग आयुक्त ने जिम्मेदारों को लगाई मौके पर फटकार।